हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऑप्टो मैथिस जानवी रघुवंशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रेस वायोपिया क्या है, प्रेस वायोपिया का कॉज क्या है, प्रेस वायोपिया के सिम्टम्स क्या है, किन लोगों को ज्यादा रिस्क है प्रेस वायोपिया होने का, एंड प्रेस वायोपिया का ट्रीटमेंट क्या है। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इस चैनल पर आपको आई रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही कॉमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करती हैं और जानती हैं प्रेस वायोपिया क्या है। तो प्रेस वायोपिया एक ऐसी आई कंडीशन है जिसमें हमारी फोकसिंग पावर कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें नजदीक का ऑब्जेक्ट दिखने में प्रॉब्लम होती है। स्पेशली 40 इयर्स के बाद में होता है, इसलिए आप महसूस करेंगे कि 40 इयर्स के बाद में आपको नजदीक में देखने में थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जैसे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में जो सबसे स्मॉल लेटर वाली लाइन होती है वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देती, आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेन सा महसूस होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी एज के साथ में होने वाली ये एक आई कंडीशन है। ये कोई डिजीज नहीं है बट एक एजिंग फैक्टर है और ये सभी को होता है। डिफरेंस हो सकता है कि किसी को 40 इयर्स से पहले हो जाता है, वो बहुत रेयर केस में होता है, एंड किसी को 40 इयर्स के बाद में लाइक 42 इयर्स में 45 इयर्स में। बट एक नेचुरल प्रोसेस है, एजिंग प्रोसेस है जो हम सभी को होता है। प्रेस वायोपिया का कॉज एजिंग फैक्टर है, जैसे कि हमारी आई में लेंस होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, अगर हम नजदीक में देखते हैं तो वो फ्लेक्सिबिलिटी के कारण नजदीक में इजीली फोकस कर पाता है। बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी आई के लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और हमें नजदीक ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम होती है, हम इजीली फोकस नहीं कर पाते। ये एक एजिंग फैक्टर है और इसका कॉज भी एजिंग ही है, ये नेचुरल फिनोमेना है। प्रेस वायोपिया के सिम्टम्स में मेनली नजदीक देखने में प्रॉब्लम होती है, जैसे आप कंप्यूटर पर वर्क करते हैं रीडिंग करते हैं तो उस टाइम पे आपको स्मॉल लेटर्स देखने में प्रॉब्लम होती है, और इसके बाद में अगर आप स्पेक्स नहीं पहनते हो या इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो तो आपको हेडेक भी हो सकता है, बिकॉज हमारी आई मसल्स को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। साथ ही उसकी वजह से आई में वाटरिंग आना, इरिटेशन होना, ये कुछ माइल्ड सिम्टम्स हैं जो देखे जा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि किन लोगों को ज्यादा खतरा है प्रेस वायोपिया का। तो प्रेस वायोपिया में जैसे नजदीक देखने में प्रॉब्लम आती है, तो अगर आपको पहले से हाइपरमेट्रोपिया है या जिन लोगों को हाइपरमेट्रोपिया है तो उन लोगों में प्रेस वायोपिया होने के चांसेस अदर लोगों से जल्दी होते हैं। हालांकि 40 to 40 इयर्स में ये सभी में देखा जाता है, सभी में नजदीक का नंबर आ ही जाता है। इसके अलावा कैटरैक्ट की वजह से भी प्रेस वायोपिया जल्दी देखा जा सकता है। अब हम जान लेते हैं कि प्रेस वायोपिया का ट्रीटमेंट क्या है। तो प्रेस वायोपिया का जो ट्रीटमेंट है उसमें आपके पास में ग्लासेस होते हैं, हालांकि इसे रोका तो नहीं जा सकता, इसका कोई प्रिकॉशन तो नहीं है, बिकॉज ये एक एजिंग प्रोसेस है, हमारी लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है और उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत सारी आई एक्सरसाइज मेडिसिन बताए जाते हैं बट अभी कहीं भी ये मेडिकली प्रूफ नहीं हुआ है कि आई एक्सरसाइज से या फिर मेडिकेशन से
हम प्रेस्ड बायोपिया को कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज ये नेचुरल प्रोसेस है, होता ही है, तो इसका हम ट्रीटमेंट ही कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में हमें ग्लासेस पहननी होती हैं। पहले के टाइम में होता था कि दो चश्मे रखने होते थे, एक नजदीक के लिए एक दूर के लिए। उसके बाद में टेक्नोलॉजी अपडेट्स हुई और उसके बाद में बाइफोकल ग्लासेस आए, जिसमें नजदीक दूर दोनों एक साथ होता था बट उसमें टिकड़ी होती थी। अभी लेटेस्ट में हमारे पास में ऑप्शन होता है प्रोग्रेसिव लेंसेस का। प्रोग्रेसिव लेंसेस में आपको डिस्टेंस, मिड डिस्टेंस, नजदीक तीनों पावर मिलती है एंड कोई भी टिकड़ी देखने को नहीं मिलती। ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है। इसके अलावा अगर आप ग्लासेस नहीं पहनना चाहते तो आप लेजिक के थ्रू भी प्रेस बायोपिया का नंबर हटवा सकती हो, बट अगेन जैसे आपकी एज बढ़ती है आपका नंबर भी बढ़ता जाता है प्रेस बायोपिया में। जैसे हम 40 to 42 ईयर्स की बात करें तो +1 देखा जाता है नंबर, 45 की बात करें तो 1.25, 47 पे 1.5, और जैसे जैसे बढ़ती है एज 50 ईयर्स तो उसमें +2 भी देखा जाता है। तो इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, बेटर है आप ग्लासेस यूज करें और कंफर्टेबल भी देखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, यही है प्रेस बायोपिया के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर आईज। थैंक यू।